उमेश पाल का मर्डर कैसे होगा, कब होगा, इसकी प्लानिंग कई हिस्सों में हुई थी। कई राउंड मीटिंग के बाद इस मर्डर की तारीख फाइनल हुई। खुलासा यह हुआ कि गुड्डू मुस्लिम गुलाम और सदाकत ने उमेश मर्डर से पहले नैनी जेल में अकीक के बेटे अली के साथ भी मुलाकात की। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद को गिरफ्तार किया है। दरअसल आबिद चांदनी का बेटा है। उमेश पाल मर्डर के बाद से चांदनी भी गायब है। इसी पर जरा रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम गुलाम और सदाकत ये तीनों नैनी जेल पहुंचे थे और इनकी मुलाकात अतीक के बेटे अली से हुई थी। पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में इस बात का खुलासा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम एक झोले में सामान भरकर नैनी जेल में दाखिल हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि झोले में वो बम भर कर ले गया था। उसने ये बम अली को दिखाए थे। अब उमेश पाल मर्डर के मामले में पुलिस अली और उमर दोनों से पूछताछ करेगी। वहीं अब तक फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम का सौतेला बेटा आबिद भी उसी की राह पर है। पुलिस ने आबिद को बम से भरे झोले के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गुड्डू की गर्लफ्रेंड चांदनी का बेटा है आबिद। बीते कुछ वक्त से चांदनी और गुड्डू साथ रहते थे। बम से भरे झोले के साथ आबिद गिरफ्तार। गुड्डू मुस्लिम पर घोषित है 5 लाख का इनाम। गिरफ्तार आबिद चकिया की रहने वाली चांदनी का बेटा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये बात सामने आई थी कि गुड्डू मुस्लिम उसके साथ रहता था। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो भी घटना के कुछ दिनों बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने बताया कि 20 साल के आबिद को घनश्याम नगर रेलवे कॉलोनी के पास संदिग्ध गतिविधि देखकर रोका गया। इस दौरान उसके पास से झोले में 6 बम बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वो अतीक अहमद के कार्यालय के पास मीट की दुकान चलाता था, जिसे 15 अप्रैल को सील कर दिया गया। ये दुकान उसे गुड्डू मुस्लिम ने खुलवा कर दी थी। गौरतलब है कि इस दुकान को गिराने के लिए पीडीए ने अप्रैल में नोटिस जारी किया था। इससे पहले इसे सील भी किया गया था। इसी बीच 14 जून को दुकान खोलने पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई, तो पीडीए ने इसे फिर से सील कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कई तरह की खबरें बीते 3 महीने में सामने आई है। कोई कहता है कि गुड्डू दुबई भाग गया है, कभी खबर आती है कि वो प्रयागराज में है, तो कभी इनपुट कोलकाता में होने का मिलता है। लेकिन गुड्डू के बारे में कोई भी ठोस पुख्ता इनपुट अब तक पुलिस और एसटीएफ के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।